हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से एंजॉय करिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एसन वन चल रहा था, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि लास्ट ये जो क्वेश्चन किया था इसमें हमने डिस्कस किया था ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए, एक बी आर बाहर निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो जाएगा वो रेजोनेंस में चले जाएगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, सो इट इज ए हाईली स्टेबल फॉर्म। इसी बेस पे एक और यहां पर कंडीशन लेते हुए आया हूं आपके सामने। तो ये इस टाइप से हमारे पास एक सिचुएशन कंप्लीटली बनाई है, तो उसको देखिए बेटा आप लोग। इस तरीके से हमारे पास प्राइमरी सॉरी 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड या हमारे पास हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास मिथाइल की बात कर लेते हैं, ओके। तो अगर इसमें ऑर्डर देखा जाए तो सीधे सीधे मेरे दिमाग में, मैंने आपको पहले बता रखा, बल्कि ग्रुप स्टेरिक फैक्टर डोमिनेंट होगा तो ये ऑर्डर हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो ये कंप्लीट कंडीशन हमारे पास आती है। इसी बिहाफ में आपको कुछ स्टेटमेंट जो है वो मैं मेंशन करवा दूं। जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको यहां पर पूरा मेंशन करा दूं। स्टेटमेंट है कि सॉल्वोलाइसिस ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है, जब हमने यहां पर इससे प्रीवियस में देखा था, ये पूरा पार्ट सॉल्वोलाइसिस कहलाता है। तो सॉल्वोलाइसिस यहां पर बता रहा हूं, एक्चुअली द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, क्योंकि बी आर जो था वो लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप बॉन्ड थ्रू सॉल्वेंट सो द प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वोलाइसिस। देखो, सॉल्वोलाइसिस किसे बोलते हैं वो लिख दिया मैंने आपके सामने, ओके। तो अब यहां पर हम मेंशन करें इसको रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये एक पॉइंट हमें यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल चुका है। तो ये स्टेटमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। इसी बेस पे मैं एक यहां पर क्वेश्चन बना रहा हूं, आप देखिए उसको बेटा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसमें हमारे पास यहां पर बी आर लगा है, ये मिथाइल ग्रुप है। ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन है, सेम यहां पर बी आर लगा है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो हमसे पूछा है कि रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस किसका फास्ट होगा। तो बेटा मेरा आंसर होना चाहिए, आप इसको पॉज करके जरूर सोचिए,
ठीक है, मेरा आंसर मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये होगा क्यों, क्योंकि बी आर निकलेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग एम प्लस एम से जुड़ा हुआ है, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसी वजह से बेटा मैं ये कहूंगा कि मेरा ये जो पोर्शन होगा कार्बोकैटायन का, यहां जो बनेगा वो स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन, तो ऑर्डर हमारा इसी वजह से ये बन जाएगा। ओके, तो इसी बेस पे बेटा हम आगे चलते हुए एक नेक्स्ट पॉइंट पर और चलते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ है, ये पॉइंट भी आपको बता दूं, इफ इफ द एल्काइल ग्रुप, द एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल पार्ट, एल्काइल पार्ट अटैच्ड अटैच्ड विद ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, द स्टेबिलिटी 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 ऑफ कार्बोकैटायन इज मोर एंड इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड विथ, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड 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 विथ विथ सॉरी अटैच्ड विथ हाँ ठीक है अटैच्ड विद कार्बन पॉजिटिव चार्ज, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एल्काइल पार्ट अटैच्ड विद द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज मोर, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच्ड विद द एल्काइल, जस्ट एक मिनट, हाँ इसको करेक्ट कर देता हूं बेटा मैं, हाँ इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द स्टेबिलिटी क्योंकि वो ऊपर लिखा ही है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज लेस, तो ये एक स्टेटमेंट भी बन गया यहां से। ओके, सो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं, सो SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है, SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, इसको हम रेट ऑफ सॉल्युबल एसिड जो यहां बोल चुके हैं वो भी लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ सॉल्युबल एसिड लिखो, रेट ऑफ SN1 लिखो, बात एक की है। तो आई होप कि बेटा आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास, हम पहला इस स्टेप को कंप्लीट करें। अब हमें यह पता चल चुका है कि यहां पर वो रेट किस पर डिपेंड करेगा, प्लस ये मैकेनिज्म देखा था और यहां पर मैंने सॉल्वेंट की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं लिविंग ग्रुप की। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लिविंग ग्रुप। ओके, सो लिविंग ग्रुप मैं पहले ही आपको लिख देता हूं कि गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, वी नीड ए गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, हमें एक अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए। तो उसी के बिहाफ में बेटा अगर मैं यहां पर एल्काइल पार्ट को कांस्टेंट मानते हुए चलूं
तो आई इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप देन द बी आर एंड बी आर इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप देन द सी एल एंड सी एल इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप देन द एफ ग्रुप। ठीक है, तो इसी वजह से एक और पॉइंट लिख सकता हूं, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप या बेटर लिविंग ग्रुप, और करके लिख देता हूं बेटर लिविंग ग्रुप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, क्योंकि देखो IIT में वो क्वेश्चन को टिपिकल नहीं पूछने वाला बेटा, लेकिन क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा होगा आपने, अगर कॉन्सेप्ट आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन उस डिटेल से पूछा जाता है जिसके बेस पे बच्चा कंफ्यूज होता है। और अभी मैंने आपको बेटा वहां पर दो बात करी थी कि बेटा गुड लिविंग ग्रुप हमें चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए, उसी के बेस पे ये कंप्लीट प्रोसेस हो पाएगी। तो अब मैंने ये बात कर ली है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूं कि बेटर लिविंग ग्रुप हमें बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। अब बेटर लिविंग ग्रुप का मीनिंग क्या है थोड़ा सा इसको समझा दो। बेटर लिविंग ग्रुप मतलब, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बेटर लिविंग ग्रुप का मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज, अगर मैं बात करूं किसी पे भी उस न्यूक्लियोफाइल पे, सॉरी लिविंग ग्रुप पे, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं, लिविंग ग्रुप पे जो होल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो लिविंग ग्रुप उतना बेटर होगा। तो अगर मैं आई की बात करूं, आई का साइज बहुत बड़ा, साइज बहुत बड़ा, डी ऑर्बिटल वेकेंट, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं होना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होने वाला वहां पर, अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा वो हमारे पास बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा। क्यों? क्योंकि वो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर ले रहा है, क्योंकि उसके पास एक तो वैकेंसी है, दूसरा साइज बड़ा है, तो ये कंप्लीट क्राइटेरिया वहां पर आ जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रहा था सॉल्वेंट की, तो SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज करते हैं, जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। अब वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, H2O हो सकता है, कोई अल्कोहल हो सकता है, जैसे हमारे पास CH3OH ले लूं या ETOH ले लूं, ठीक है, एटसेट्रा, इस टाइप के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इस टाइप के सॉल्वेंट को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो बोल रहे हैं बेटा वो हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं कोई सॉल्वेंट RCO नेगेटिव वाला लूं जिसमें RCO नेगेटिव निकले, H पॉजिटिव तो निकल जाएगा तो पोलर प्रोटिक हो जाएगा, इस टाइप के पार्ट को, या NH3, ये भी H पॉजिटिव नहीं देता है, तो इनको यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी बेटा, और आपको क्लियर भी हुई होगी, और आपको यह पता भी चला होगा कि भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, और हम पूरा डिटेल में भी स्टडी करेंगे। सो प्लीज आप इसको देखिए और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।